नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में विपक्षी दलों के कार्य को लेकर उनके ऊपर जोरदार हमला बोला। इस दौरान सीएम योगी ने गन्ना संस्थान के हाल में विपक्षी दलों के देश और प्रदेश के कार्यकाल की बीजेपी की सरकारों के कार्यकाल की तुलना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब अमन चैन दिखने लगा है। हमने कानून व्यवस्था पर काफी जोर दिया। पहले गुंडे सरकारी संपत्तियों को हड़पते थे, उनकी दहशत की वजह से संभ्रांत परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से डरते थे, लेकिन अब जब अपराधियों को मालूम है कि राज्य सरकार का बुलडोजर खड़ा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो आपको बता दें, बीजेपी का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आज कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में सिर्फ परिवारों का विकास होता था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से पहले की सरकारों में चौपट थी और हमने कानून व्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया। पहले गुंडे सरकारी संपत्तियों को हड़पते थे, लेकिन अब गुंडा राज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, बीजेपी का इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन किया गया था, जिसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। देखिए पारुल, लगातार बीजेपी का सम्मेलन हो रहा है और अब चुनाव को देखते रूबी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी पारुल जी, रूबी बोलिए। पारुल देखिए, लगातार बीजेपी अब अपने सम्मेलन हो या जनसभा हो या ये कह सकते हैं कहीं कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो, उसमें विपक्ष को छोड़ने में, आड़े हाथों लेने में जरा सा भी गुरेज नहीं कर रही है, क्योंकि चुनावी माहौल बन चुका है और सरगर्मियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर ये अब देखा जा रहा है कि अगर इससे पहले किसी भी हम बात करते हैं तो कई ऐसे सम्मेलन हुए हैं जहाँ पे उन्होंने विपक्ष के आड़ों हाथों लिया। आज लखनऊ में भी इन्होंने एक सम्मेलन हुआ है जिसमें उन्होंने विपक्ष से जमकर हमला बोला है। कहना रहा कि बीजेपी सरकार जो है उन्होंने ही मात्र एक सरकार को जो जनता की डिमांड थी, यानी कि जो विकास था वो बीजेपी की ही सरकार में हुआ है। विपक्ष जो है वो अपनी कथनी और करने में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। तो जनता को फिर एक बार मौका मिलेगा 2022 के चुनाव को लेकर, तो जनता इस बार भी अपने सूझबूझ से काम ले और विपक्ष के जितने भी दावे हैं उनके तरफ ध्यान ना दे। बिल्कुल रूबी, लगातार देखिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो एक बात पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी, हमने कानून व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन अगर अब भी देखें पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले, देखिए कानून व्यवस्था भले ही सरकारें दावा करती हैं कि हमने अच्छी की, लेकिन अपराध का ग्राफ तो कहीं भी कम होता नजर नहीं आता, ना ही पहले सरकारों के राज में और ना ही अभी। बिल्कुल पारुल, क्योंकि लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ते ही दिख रहा है, क्योंकि अभी मैं कल रात की ही बात करूं कि लखनऊ में भी कल एक रेस्टोरेंट के मालिक है उनको सरेआम गोली मारी गई। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं आशियाना में यहाँ पे दो महिलाओं की हत्या हुई, तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है उसमें सिर्फ कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार जो है वो अपनी खुद पीठ थपथपाते नजर आ रही है, क्योंकि अब मौका जो है वो हमको चुनावी विश्वास दिखाने का, तो ऐसे में वो निश्चित तौर पर ये अब मौका छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि विपक्ष को लेकर वो लगातार इसी बात पे ही हमला करते नजर आई है। दो मुद्दों पर खासतौर से योगी सरकार हमला करती है, एक विकास की बात करती है और दूसरा कानून व्यवस्था की बात करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों व्यवस्थाओं को खासतौर से योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह हो, अभी लगातार लखनऊ में जो भी सम्मेलन हो रहे हैं उन ये दो ही मुद्दों पर देखने को खास तौर से मिल रहे हैं। और इनका खास तौर से एक नारा भी अब चल रहा है, बीजेपी हमारा परिवार, यानी कि अब जो सम्मेलन हो रहा है, इससे पहले उन्होंने जो प्रबुद्ध सम्मेलन किया था, आज उन्होंने पिछड़ा समिति सम्मेलन हुआ है, उसमें भी उन्होंने खास तौर से कहा है कि जो ये समूह है, यानी कि जो बीजेपी जो परिवार की तरफ जुड़ के चल रहा है, वो अभियान जो उसका इसी बात को लेकर चल रहा है, जो भी सम्मेलन में आ रहे हैं वो हमारा परिवार का हिस्सा है, तो हमारा विकास सबका विकास। जी चलिए ठीक है रूपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज
बीजेपी की तरफ से आपको बता दें सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और ऐसे में विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से बिजतक मोटरसाइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और उनके राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कार्य को स्मरण करता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को कमजोर करने के लिए सियासतों के ऊपर निर्णय छोड़ा था कि या तो वो भारत में विलय करें या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र देश बनाएं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के एकीकरण के अभियान से वो स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को सीएम योगी के गढ़ में प्रतिज्ञा रैली की। प्रियंका ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली में जनता के कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का विश्वास भी दिलाया। आपको बता दें कि अपनी रैली में प्रियंका ने जहाँ अपने संबोधन में कांग्रेस को चुनाव में जिताने की अपील की, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। इसी दौरान प्रियंका की रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। अयोध्या में पीएनबी की महिला अधिकारी श्रद्धा गुप्ता की आत्महत्या को लेकर अब यूपी में सियासत शुरू हो चुकी है। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ जा सकती हैं। आपको बता दें वहां वो श्रद्धा गुप्ता के परिजनों से मुलाकात कर सकती हैं। वहीं इससे पहले भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला कर्मचारी की आत्महत्या मामले में मिले सुसाइड नोट में जिस प्रकार पुलिस के लोगों पर सीधा आरोप है, वो यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था का कड़वा सच है। इसमें सीधे एक आईपीएस अफसर तक का नाम आना बेहद गंभीर मुद्दा है और इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं और लड़कियां इस पार्टी के शासनकाल में खुद पर होने वाले अत्याचार को भूली नहीं हैं। स्मृति ने लखनऊ की बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आयोजित धरोहर कुशल हाथों की सफल उड़ान कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव की रणबेला में अपने आप को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम राष्ट्रनीति से ओतप्रोत होकर समाज कल्याण में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। स्मृति ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह की ओर से साल 2014 में लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान की तरफ से इशारे करते हुए कहा कि जो लोग आज चुनाव के समय रणभूमि में उतर कर राजनीति करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की महिला भूली नहीं वो मंजिल जब उसकी प्रताड़ना होती थी, क्योंकि एक विशेष राजनीतिज्ञ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे थे जिनका दुस्साहस इतना था कि वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो आपको बता दें स्मृति ईरानी ने जमकर सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि सपा शासन में हुए अत्याचार को लड़कियां आज भी नहीं भूली हैं और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में जिस तरह से मुलायम सिंह ने बयान दिया था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उस तरह से बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिनका दुस्साहस इतना था कि वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। लगातार आपको बता दें विधानसभा चुनाव अब बेहद नज़दीक है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए बयानबाजी एक बार और तेज़ हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में अब स्मृति ईरानी ने भी सपा पर ये जोरदार हमला बोला है।
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने आज एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं और जनता के दरवाजे भी सरकार ने बंद कर रखे हैं, हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे टिकैत ने कहा कि दिवाली यही मनेगी, यही दिए जलाए जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं और जनता के दरवाजे भी सरकार ने बंद कर दिए हैं, हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा तय कर ले तो दिल्ली की तरफ से जाएंगे, ऐसे में पुलिस के टेंट हट गए क्या, सारे बैरिकेडिंग हट गए क्या। तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लिया है। तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने दिल्ली में कोई भी रास्ते बंद नहीं कर रखे थे, सरकार ने ही रास्ते बंद किए और अब सरकार ने ही रास्ते खुलवा दिए हैं और हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। दिवाली इस बार यहीं मनेगी, दिए यहीं जलाए जाएंगे। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार किया है। साक्षी महाराज ने कहा कि राकेश टिकैत डकैत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि कदन के सामने कोई मंडी नहीं है तो फिर राकेश टिकैत कहां अनाज बेचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि मंडी में भाव नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो संसद में मंडी लगाएंगे। वहीं राकेश टिकैत पलटवार करते हुए अन्य लोगों को जहां अनाज बेचते हैं, राकेश टिकैत भी वहां अनाज बेचें, सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वो वहाँ कोई खरीदार भी नहीं है, देश में अनाज मंडियां हैं इसीलिए मंडी में अनाज ले जाएं। वहीं आगे साक्षी महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में लेकर जाएं अनाज, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें पूरी इजाजत है, लेकिन सदन लोकतंत्र का मंदिर है, जहां कानून बनते हैं और वहां अनाज नहीं बेचा जाता है। तो आपको बता दें राकेश टिकैत के बयान पर साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा था कि भले ही अब बैरिकेडिंग हटा दी गई, रास्ता खुल गया हो, अब हम दिल्ली जाएंगे और संसद के सामने जाकर अनाज बेचेंगे, जिस पर अब साक्षी महाराज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंडियों में जाकर राकेश टिकैत अनाज बेचे, संसद में कानून बनते हैं ना कि वहाँ पर अनाज बिकता है, और वहाँ ना तो राकेश टिकैत को कोई खरीदार मिलेगा और ना ही उनसे कोई अनाज खरीदेगा। चलिए हमारे साथ पवन खटाना किसान नेता जुड़ चुके हैं। पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी जी नमस्कार जी। पवन जी जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर से अब बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन देखिए अब एक बार फिर से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राकेश टिकैत को ये कहा है कि वो डकैत हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बीजेपी जो है ना सत्यानाश करेगी देश का, और इसमें अहम भूमिका कहीं ना कहीं मीडिया भी निभाएगी। नहीं पवन जी मीडिया कैसे अहम भूमिका निभाएगी, ये कानून की है। पहले सुन लो, अब आपने क्वेश्चन पूछा तो पूछ लो, सुन तो लो जी। ये लड़ाई देश के जो खिलाफ कानून लाए गए हैं, काले कानूनों के खिलाफ है, राष्ट्रीय के खिलाफ लड़ाई नहीं है जी। 11 महीने से हम रास्तों पर बैठे हैं इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए। रास्ते खुल जाएंगे हम दिल्ली चले जाएंगे जी। और जो साक्षी महाराज जी दिल्ली गए हैं वो हमने ही भेजे हैं, इस देश के किसान और मजदूर ने भेजे हैं, जिनको वो डकैत कह रहे हैं उन्होंने ही भेजे हैं। अडानी और अंबानी ने नहीं भेजे, जिनको वो डकैत कहने से डरते हैं जी। जो डकैत हैं उनको डकैत कहने में डर लगता है ना। जो अजय टैनी है वो क्या है, धर्मात्मा है क्या, इनका गुरु है। अजय टैनी को डकैत कहने में दिक्कत आती है क्या, जो डकैत है उसको डकैत नहीं कहा जा सकता, और जो टिकने वाला टिकैत है उसको डकैत कहोगे तो ये देश कहाँ जाएगा। अरे सारा तो बेच दिया भाई, अब कुछ बचा है क्या इस देश में। नहीं ठीक है पवन जी, देखिए राकेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है वो संसद के सामने जाएंगे, वहां पर अनाज बेचेंगे, लेकिन उससे क्या कुछ रास्ता निकलेगा या क्या होगा, कहां बेचें, संसद के सामने
देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि देश का किसान अपनी फसल जहां सबसे ज्यादा रेट मिले वहां बेच सकता है जी। आज धान 1200 रुपए बिक रहा है हमारा लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में। हम जब वहां हमारा धान नहीं बिकेगा तो हम धान को 2000 से ज्यादा महंगा बेचने के लिए कौन सी मंडी है उसकी जगह बता दो। और जहां पे कानून बने हैं वहां उनसे पूछ लेंगे जाकर के कि आप हमें स्थान बता दो, हमने कौन सी गलत बात कही है। नहीं, साक्षी महाराज ने यही तो कहा है, साक्षी महाराज ने यही तो कहा है कि संसद के बाहर जाकर तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा, मंडियों में जाइए वहां अनाज बेचिए। अरे तो खरीदार साक्षी महाराज बता देंगे, किसी किसी मंड पे मिलेगा, किसी मंदिर की मंड पे मिलेगा। जिस देश को ये चलाएंगे महाराज, जिनको यही पता नहीं है कि संतान कैसे होती है और उन संतानों का दुख क्या होता है, वो चलाएंगे इस देश को। अरे भांग पी के भंगड़ी, भंग के नशे में 5 ग्राम गांजा और 5 ग्राम ड्रग्स की छूट दिलवा रहे हैं इस देश में, युवाओं को नशा पे लेके आ रहे हैं। ये जो धुएं में रहते हैं 24 घंटे, वो बताएंगे देश में कौन डकैत है कौन डकैत है, ये बताएंगे हमें। चलिए ठीक है पवन जी, लेकिन अब जिस तरह से बैरिगेटिंग हटा दी गई है, रास्ता खोलने की तैयारी हो रही है, तो क्या ये समझ लिया जाए कि किसान आंदोलन अब अंत होने पर आया है? आंदोलन खत्म होना तो बैरिगेटिंग हटने से आंदोलन खत्म होते हैं क्या? ये लड़ाई आंदोलन और जो बैरिगेटिंग की है क्या हमारी? हमारी लड़ाई कानूनों के खिलाफ है, जो काले कानून आए हैं जी, ये बैरिगेटिंग हमारे खिलाफ लगाए गए, उन्होंने हटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। हम अपने ट्रैक्टर लेके जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में जो भी जगह हमें मिलेगी वहां अपनी फसल बेचेंगे जी। इसमें कौन सा अपराध करेंगे उसे बता दो। तो यानी अगर आप दिल्ली जाएंगे, फसल बेचेंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, लेकिन कुछ 26 जनवरी की तरह तो कोई घटना नहीं होगी फिर? नहीं, हमें 26 जनवरी की घटना क्या हुआ, 26 जनवरी घटना भी इन्होंने कराई थी। जो नशेड़ी है ये, इन नशेड़ियों ने अपनी टीम वहां भेज करके एक पोल पर धार्मिक झंडा फहरवाया था। आज वो नशेड़ी उस आदमी को लेके आ जाए जिसने झंडा फहराया था, क्या किसी किसान नेता ने झंडा फहराया हो? संयुक्त मोर्चा के किसी भी एक नेता पर क्या कोई मुकदमा सिद्ध हुआ? उन्हें क्लीन चिट दी है इन्हीं की पुलिस ने जी। जो ये कहते हैं, इनकी जो प्री प्लानिंग थी, जो षड्यंत्र था, वो खुल करके आ गया सामने। चलिए ठीक है पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो ऐसे में राकेश टिकैत पर एक बार फिर से साक्षी महाराज ने हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर राकेश टिकैत आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बुखार के 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें आगरा और फिरोजाबाद के 4-4 मरीज शामिल हैं, हाथरस के 2 और एटा मेनपुरी से 1-1 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। ऐसे में सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 4 नए मरीज मिलने पर आगरा में डेंगू के मरीजों की संख्या 558 हो चुकी है। वहीं 4 मरीजों की डेंगू से मौत हो चुकी है, साथ ही इनमें से 287 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। लखनऊ में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला आलमबाग के चिक चिक रेस्टोरेंट का है, जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट कारोबारी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तो आपको बता दें, लखनऊ का ये मामला है जहां पर इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई है।
गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम इलाके में चोरों ने एटीएम को अपना निशाना बनाया। वहीं एटीएम की चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच करने में जुट गई है। वहीं इंद्रपुरम पुलिस का दावा है कि एटीएम से कुछ भी चोरी नहीं हुआ, एटीएम में सारे पैसे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो गाजियाबाद का पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एटीएम में चोर घुसे थे चोरी करने की मंशा से, लेकिन जैसे ही एटीएम मशीन को तोड़ा गया तो वहां पर सिक्योरिटी सारण बज गया, जिसके बाद चोर वहां से मौके से फरार हो गया है। मथुरा में क्राइम की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें चार बदमाश भागने में सफल रहे। वहीं एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही पुलिस बाकी भागे हुए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। खबर अमेठी से है, जहां अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार के निर्देश पर जिला क्रीड़ा अधिकारी विमला सिंह की ओर से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रामनगर से जिला क्रीड़ा अधिकारी और पुलिस विभाग के RI की ओर से हरी झंडी दिखाकर किया गया। साथ ही इसका समापन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर किया गया। इस दौरान बिना प्रतिभागी खिलाड़ियों को क्रीड़ा अधिकारी विमला सिंह ने इनाम भी दिया। अधिकारी विमला सिंह ने बताया कि ये प्रतियोगिता लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर रन फॉर यूनिटी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य है कि राष्ट्र को अखंड और मजबूत बनाने के लिए सब साथ मिलकर स्वस्थ रहें। गाजियाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस मौके पर समाधान शक्ति सामाजिक संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान खेल कूद के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।